नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीप्त चौधरी महाविद्यालय से एसबी सिंह आज आप लोगों को बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य की कक्षा में समकालीन हिंदी कविता के बारे में अवगत कराऊंगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। समकालीन हिंदी कविता सन 1960 ईस्वी के बाद की कविताओं को अनेक नामों से जाना गया, जैसे साकुतारी कविता, समकालीन कविता, अकविता, अभिनव कविता, युयुत्सावादी कविता, बीट कविता, अस्वीकृत कविता, अति कविता, सहज कविता, निर्दिशायामी कविता आदि और नई कविता। ठीक है, इन साइन बोर्डों का केवल एक ही अभिप्राय है कि साकुतारी कविता नई कविता से कुछ अलग और हटकर है। ठीक, यानी तात्पर्य है कि जो साकुतारी कविता है वह नई कविता से कुछ हटकर है, जिसे हम साकुतारी कविता या समकालीन कविता के नाम से भी जानते हैं। संक्षेप में साकुतारी कविता या समकालीन कविता की कुछ प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कर लेते हैं कि साकुतारी कविता या समकालीन कविता की कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। साकुतारी या समकालीन कविता की पहली विशेषता है, साकुतारी कविता समकालीन कविता में असंतोष, अस्वीकृति और विद्रोह का स्वर बहुत साफ तौर पर उभर कर समाज के सामने आया। यह स्वर कहीं व्यंग्य रूप में है तो कहीं खुले रूप में है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, जो समकालीन कविता की जो मुख्य विशेषताएं हैं वह है, पहली जो विशेषता के अंतर्गत असंतोष, अस्वीकृति और विद्रोह का स्वर बहुत साफ तौर पर उभर कर समाज के सामने प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अब हम दूसरी विशेषता का बात करते हैं, जीवन की प्रामाणिक अनुभूतियों को जीवन परिवेश एवं वातावरण के अनुसार अभिव्यक्त की गई। ठीक, समकालीन कविता रोमानी छायावादी संस्कारों से पूर्णतः स्वतंत्र है, अर्थात मुक्त है। ठीक है ना, समकालीन कविता समाज की मान्यताओं, परंपराओं, रूढ़िवादियों, बाह्य आडंबर से मोह भंग व्यक्त करती है। ठीक है, इस कविता में जीवन से सीधा, जो इस प्रकार की कविताएं होती है बच्चों, इन कविताओं में जीवन से सीधा साक्षात्कार होता है, अर्थात ये जो कविताएं हैं वह यथार्थवाद पर आधारित हैं। उसमें जीवन की खीज, तीज, तर्पण, असंतोष, निराशा, कुंठा, कड़वाहट के स्वर अधिक हैं। आगे देखिए, जो समकालीन कविता
में साक्षात्कृत परिवेश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रस्तुत करती है। भारतीय समाज में व्याप्त जड़ता, विसंगतियां, आक्रोश, वाय विडंबनाएं की पूर्ण अभिव्यक्ति समकालीन काव्य में देखने को मिलती है। ठीक, मानव की स्वार्थपरता, अधिकार लोलुपता, भ्रष्टाचारिता को आज की कविता का मुख्य केंद्र बिंदु बनाया गया है। समकालीन कविता में राजनीतिक संदर्भों से साक्षात्कार किया गया है। समकालीन कविता उन्हीं अनुभूतियों को अभिव्यक्ति प्रदान करती है, देती है, जो जीवन की निर्भय वास्तविक परिस्थितियों से मन में उभरती है, अर्थात जो जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से सामना करने के लिए अपना सामर्थ्य रखती है। ठीक है बच्चों, समकालीन हिंदी कविता के प्रमुख कवियों में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, दूधनाथ सिंह, धूमिल, लीलाधर जुगड़ी, वेणुगोपाल, मत्स्येंद्र शुक्ल, विष्णु खरे, देवेंद्र कुमार, श्याम विमल, विजय कुमार, परमानंद श्रीवास्तव, आलोक धनवा, अमरदीप प्रताप सहगल, अरुण कमल और अनिल जोशी का नाम प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। वर्तमान कविता जगत से अलग होकर, विच्छिन्न होकर, विखंडित होकर एक विचार नाम बन गई है। आवश्यकता बच्चों इस बात की है कि उसे भाव जगत से जोड़ा जाए, यानी जो आज की कविताएं हैं उन कविताओं को भावना यानी भाव की जगत से जोड़ा जाए, भावना की दृष्टि से देखा जाए। ठीक, सन 1974 से लेकर अब तक की कविता संख्यात्मक दृष्टि से अधिक समृद्ध हुई है, क्योंकि अनेक संकलन प्रकाश में आए। ठीक है बच्चों, हम आप लोगों को कुछ नई कविता के कवियों की रचनाओं के बारे में बता देते हैं, जो प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है। जैसे शमशेर बहादुर सिंह, जिन्हें कवियों का कवि कहा जाता है, उनकी जो लिखित काव्य संग्रह है वह झुका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने अपने। ठीक, इसके बाद त्रिलोचन का नाम आता है, ताप के ताए हुए दिन, सब उस जनपद का कवि हूं। ठीक है, मंगलेश डबराल की पहाड़ पर लड़के, राम नरस मिश्र की कंधे पर शुरू सूरज, अरुण कमल अपनी केवल भार, केदारनाथ अग्रवाल की गुल मेहंदी, अरुण कमल का अपनी केवल भार,
रणजीत का झुलसा हुआ रथ आदि इत्यादि रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि जो अभी मैंने आपको समकालीन हिंदी कविता के बारे में जानकारी दी वह आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत